सो हेलो गाइस, गुड नून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। गाइस नून है, आफ्टरनून है भाई, एक्चुअल में वीकेंड है ना यार। तो कल इतना लेट हो गया ना गाइस, इतना ज्यादा लेट हो गया ना भाई, क्या बताऊं भाई। ऑलमोस्ट ना सुबह ही हो गई थी भाई, ये लगा लो 3 बज गए भाई। आया वापस रात को, एडिटिंग करी, सारी चीज़ें करी भाई, 3 बज गए यार। अब आप ही लगा लो मैं कब उठूंगा। फिर सुबह उठा यार, और अभी भी ये देखो भाई, देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई। ये देखो, ये मिरर यहीं का यहीं है ना। अब ये वाला मिरर देखो यार, ये पूरा ओपन है ना, ये ऐसे गड़बड़ हो रही है यार इस वाले मिरर के अंदर ना। ये देखो आधा ही ओपन होता है, अब ये पूरा ओपन हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ यार क्या करूँ यार। एनीवेज सर्विस पे ही दिखाएंगे यार, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी हो जाता है ओपन, है ना। छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। मैं इतनी जल्दी उसको ना सीरियसली ले लेता हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको 3-4 बार बोल चुका हूँ ब्लॉग के अंदर, इससे पहले वाले ब्लॉग्स में। अगर आप पुराने हो चैनल पे तो आपको पता होगा, मैंने बताया हुआ। फिलहाल अभी चल रहे हैं भाई सैलून, कटिंग वगैरह करा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे गुड़गांव कहाँ गो कार्टिंग के लिए। देखते हैं आज हो पाती है नहीं हो पाती, क्योंकि काफ़ी आफ्टरनून हो चुका है यार, और मुझे अभी पता भी नहीं है कि क्या एग्जैक्ट टाइमिंग्स है वहाँ की। ऑल्दो वो पूरे दिन ओपन रहता है, बट फिर भी देखते हैं। कश्मीर भाई को फ़ोन कर दिया, भाई आ रहे तो फिर इकट्ठा ही निकलेंगे। भाई फ्यूल ना बिल्कुल लो पे पहुंच गए यार, फटाफट जैसे पहले कटिंग कराते हैं ना, उसके बाद सबसे पहले भाई पेट्रोल पंप जाएंगे, इसको रीफ्यूल कराएंगे यार, वरना मैं अपना पर्स भी भूल गया हूँ भाई। चलो यार देखते हैं, या तो पेटीएम करेंगे या फिर वापस से आके पर्स उठाएंगे यार। जल्दी जल्दी में ना एक दो चीज़ें भूल ही जाता हूँ। सो गाइस, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, पूरा ना मैं मतलब 3-4 दिन से वेट कर रहा था ऑलमोस्ट, कि मैंने कहा यार वीकेंड आएगा फिर जाएंगे और वो कार्टिंग वगैरह करेंगे। ऑल दो वो कार्टिंग वगैरह पहले भी काफ़ी सारा करी है, बट ये ना थोड़ा सा स्पेशल है। ये स्पेशल क्यों है भाई, यहाँ पर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जा चुके हैं पहले, और सेलिब्रिटीज़ भी आ चुके हैं, तो एक बार एक क्रेज़ है कि यार देखने कैसा ट्रैक है, क्या चीज़ है। सो गाइस सैलून पे पहुंच चुके हैं मार्केट के अंदर, और अभी फटाफट से यहाँ पर पार्किंग कर देते हैं यार पहले ना, और फिर चलते हैं अंदर। सो गाइस कटिंग वगैरह हो रही है अभी। सो गाइस ये रही अपनी गाड़ी, फटाफट चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं और घर चल के रेडी होते हैं। सो गाइस कटिंग वगैरह अपनी हो गई है, और कैसा लग रहा है आपका भाई, सही लग रहा है थोड़ा सा ना? और अभी घर चल के सेट करते हैं सही से, फिर एक्चुअल इमेज आएगी। ठीक है गाइस, तो फटाफट चलते हैं भाई। मैं अभी ना ये सोच रहा था कि यार अभी नारियल पानी ले लेते हैं यार, है ना, बट फिर यार मेरे को एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक होता है कि भाई नारियल पानी लेगा लेट होगा, फिर आगे भी जाना है, छोड़ते हैं नेक्स्ट टाइम, पक्का नेक्स्ट टाइम पक्का। यार ये रेड लाइट हमेशा मेरे को मिल जाती है, चलो फाइनली ग्रीन हो गई है, अभी फटाफट यहाँ से टर्न लेंगे और घर पहुँचेंगे। सो फाइनली गाइस निकल चुके हैं गुरुग्राम के लिए अपनी गो कार्टिंग के लिए, और थोड़े से भाई लेट है, भाई ने लेट कराया, भाई ने, यही वाला भाई है, यही इसी ने लेट कराया, कोई नहीं, बट भाई कवर भी करेगा। तो फटाफट भाई चल रहे हैं गो कार्टिंग के लिए, लेट्स गो। सो गाइस फाइनली यार पहुंच चुके हैं F9 गो कार्टिंग पे, ये रहा भाई सामने, ये देखो GPS ने बता दिया डेस्टिनेशन लेफ्ट पे, ये रहा भाई F9 गो कार्टिंग, ये देख लो गाइस। सो गाइस फाइनली पहुंच गए, ये रही अपनी गाड़ी, और ये है कुछ ऐसा, ये देख रहे हो भाई वहाँ सामने क्रिकेट चल रहा है भाई, क्रिकेट का ग्राउंड है, और ये है भाई F9 गो कार्टिंग। तो अभी चलते हैं अंदर। सो गाइस F9 गो कार्टिंग पे पहुंच चुके हैं, और गाइस अंदर जाते हैं तो ये कुछ ऐसा ऑफिस है इनका भाई, ये कुछ चार्जेस हैं इनके, ये वीकडे के चार्जेस हैं, ये ग्रुप के हैं, और ये फ्राइडे सैटरडे संडे के। और गाइस ये मैं कुछ आपको अभी शॉर्ट दिखा रहा हूँ बाहर से, ये देख रहे हो ये गो कार्टिंग हो रही है। सो गाइस कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये है भाई गाड़ी, इसकी खासियत ये है कि यार ये ना पलटती नहीं है, ना कितना भी तेज चल लोगे ना तो ये स्किड कर जाएगी, बट ये पलटती नहीं है, इसके टायर कुछ ऐसे हैं। और ये देख रहे हो ये मेरे हाथ में, जब आप यहाँ पर बैठते हो ना तो इस तरफ की साइड में जनरेटर है, आई मीन इंजन है, सॉरी जनरेटर नहीं है इंजन है, तो ये गर्म होता है, उसके लिए ना आप लोग एल्बो पर ये पहन लेते हैं तो आपको हीट नहीं लगती, बाकी एवरीथिंग इज गुड।
भाई ये किशन भाई है, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे चलाने। सो भाई अल्टीमेट भाई फुल मजा आया भाई यहाँ पर। और मेन अच्छी बात यहाँ का ये है ना कि भाई आप यहाँ पर लेट नाइट तक आ सकते हो, मतलब ना ये 10 बजे तक ओपन रहता है तो आप एनी टाइम यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ पर ना मज़ा आने का ही नाइट का है, शाम का है। तो भाई आप देख लेना ये मेरे पीछे है। और ये गाइस देखना यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट का ग्राउंड है जस्ट इसके सामने, जस्ट इसके सामने ही क्रिकेट का ग्राउंड है। यहाँ पर पूरा मैच चल रहा है, ज़बरदस्त भाई। सो फाइनली गाइस कुछ खाने चल रहे हैं और ये देख रहे हो भाई इतनी ज़बरदस्त भाई अंडर पास के अंदर भाई लाइटिंग ही लाइटिंग भाई, चकाचौंध मचा रखी है। तो गाइस फाइनली ना साइबर अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर, अपना हल्दीराम पे चलते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है यार जनरली, बट मेरे को ठीक लगता है वहाँ का खाना, तो अभी वहीं पर जा रहे हैं, कुछ डिनर वगैरह कर लेते हैं फिर निकलेंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस फिलहाल हमने ये थाली ऑर्डर करी है, थाली आ गई है, ये भाई ने ऑर्डर करा है, भाई का भी आ गया है, खाते हैं। सो फाइनली गाइस निकल चुके हैं यार, खाना वगैरह हो चुका है अपना और अभी फ़िलहाल है साइबर सिटी के अंदर। आपको भी दिखा दो, ये देख लो भाई शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, बेस्ट प्लेस। सो फाइनली गाइस घर पहुँच चुके हैं यार, और डिनर करके ना भाई सीधा वहाँ से निकले भाई, रास्ते में कुछ शूट ही नहीं कर पाया भाई, इतना ज़्यादा लेट हो चुका हूँ ना भाई, अभी इतना ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, अभी रात का ना 1 बज रहा है भाई 1, और अभी मैं एडिटिंग शुरू करूँगा तो आप खुद ही सोच लो भाई मैं कब सोऊंगा यार। ऑलमोस्ट ना वही कल की तरह मुझे लग रहा है 3 बज जाएंगे भाई, क्योंकि भाई अभी एडिटिंग है, फिर भाई थंबनेल है, फिर भाई अपलोडिंग है, प्रोसेसिंग है, बहुत टाइम लगने वाला गाइस। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। सो गाइस अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं यार इसकी, अपना गो कार्टिंग की। सो भाई बहुत ही फन लविंग प्लेस है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, अगर आप वीकेंड पे या वर्किंग डेज़ के अंदर भी ना, अगर आप इवनिंग में एक छोटा सा अपने यू नो फियांसे के साथ या अपने पार्टनर के साथ अगर आप एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर रहे हो, या फैमिली के साथ भी छोटा सा ना आप ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप भाई ग्रुप के अंदर भी इसको हायर कर सकते हो, अराउंड 5 to 6 कार्स आपको मिल जाएंगी, और उसका पैकेज का भी मैंने ग्रुप व्लॉग के अंदर दिखाया हुआ है क्या रेट्स वगैरह हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो भी आप कर सकते हो, और भाई आपको बहुत मज़ा आने वाला है भाई, डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये रात को 10 बजे तक ओपन रहता है, इट इज़ ओपन टिल 10 PM थ्रू आउट द वीक डेज, ठीक है, एज़ पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। बाकी कुछ चेंज हो तो प्लीज़ आप देख लेना, बाकी आप गूगल पे भी देख सकते हो, बट ये वीकेंड मतलब ये थ्रू आउट द वीक रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। तो आप कोशिश करना कि आप इवनिंग में ही वहाँ पर जाओ, बिकॉज भाई देखो किसी भी ऐसी जगह पर ना जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट हो, तो वहाँ यार आज के टाइम में जो वेदर अपना चल रहा है ना, तो यार इवनिंग में जाना ही बेटर होता है, क्योंकि इवनिंग में जाने से क्या है ना, एक तो आपको गर्मी नहीं मिलती है, सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको ना काफ़ी मज़ा आता है भाई। तो उधर ना शाम को वेदर थोड़ा सा सही हो जाता है, पूरी प्रॉपर वहाँ पर लाइटिंग है, लाइट का आपको कोई इशू नहीं होने वाला ट्रैक के ऊपर, तो आप भाई फिर इवनिंग में वहाँ पर जाएंगे आप पूरा प्रॉपर इन्जॉय कर सकते हो। राइड कितनी देर की होती है यार, राइड आप 7 मिनट्स की ले सकते हो, 9 मिनट्स की ले सकते हो, 13 मिनट्स है, या अगर आप वीकडेज़ के अंदर जा रहे हो तो आप 9 लैप्स, 13 लैप्स, 25 लैप्स ऐसे करके आप ले सकते हो। तो भाई उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, वहाँ पर आपको आधा घंटा ही रुकना है, और आधे घंटे में आपका बहुत अच्छा माइंड फ्रेश हो जाएगा, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है वहाँ पर, एक आपको थ्रिल आएगा, एक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई रेसिंग ट्रैक पे किस तरीके से गाड़ियाँ दौड़ती हैं, और भाई फुल मज़ा आएगा भाई फुल। आप बस बिंदास हो के ना गो कार्टिंग करो, फुल आपको मज़ा आने वाला है वहाँ पर। बाकी तो सारा मैंने व्लॉग के अंदर बताया हुआ है, और भी ऐसी इसी तरीके की और भी कई सारी प्लेसेज हैं, उनको एक्सप्लोर करते रहेंगे, आपके साथ खुद भी इंजॉय करेंगे और आपको भी इंजॉय कराएंगे। और इसीलिए अपने चैनल का नाम है कीपिंग यू अलाइव, ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटी छोटी ट्रिप्स ना आपको ज़िंदा रखती हैं। तो गाइज अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ 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 चैनल पे लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे इस वीडियो की रीच बड़ी हो, आपके भाई की फैमिली बड़ी हो और हमारी फैमिली बड़ी हो,
क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी होगी तो भाई मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा और मैं बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेसेस एक्सप्लोर करके आपको दिखा पाऊंगा। सो गाइस, आपके भाई की इंस्टा आईडी भी है कीपिंग योर लाइफ 05, जिसके ऊपर मैं लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट रील्स अपलोड करता रहता हूँ, तो भाई उस पर भी फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम थ्रू आउट कनेक्टेड फील कर सकें। सो गाइस, इसी के साथ करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड, मिलता हूँ कल दोबारा आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। टिल देन।